सामने है ये शिव मंदिर, यहाँ पर दुर्गा माता मंदिर। ये बाजार लग गया इधर से, पूजा का है, नवरात्र है पहला पूजा, बाजार भी है इधर भी लग गया है। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बधाई दे देता हूँ आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र चालू हो गया है, आज ये पहली पूजा, और मैं आ गया हूँ अपने घर पे होम टाउन बोकारो में, क्योंकि दशहरा सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो दुर्गा पूजा होता है, दशहरा होता है ना, काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जो एरिया है ये बोकारो है, बंगाल के बॉर्डर के बिल्कुल पास है, यहाँ से पुरुलिया है बंगाल का बॉर्डर, मुश्किल से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है बंगाल का बॉर्डर। और पहले ये आज़ादी के पहले मान लीजिए तो पूर्वी बंगाल में आता था, और पश्चिमी बंगाल तो बांग्लादेश हो ही गया। तो सारा ये बंगाली कल्चर है, और इस शहर के आसपास अगल बगल जो बॉर्डर एरिया है ना, मैक्सिमम बंगाली लोग ही बसे हैं। खासकर इस शहर में बात करें तो मान के चलिए कि 30-40% जो आबादी है ना, वो बंगालियों की ही है। आसपास के जो गांव में निकल जाएंगे, शहर में थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन जो गाँव है ना बंगाल बॉर्डर से कटा हुआ, पूरा बंगाली कल्चर, बंगाली भाषा सब कुछ मिलेगा। यहाँ दशहरा काफ़ी अच्छा होता है, वैसे तो कलकत्ता का दशहरा काफ़ी फेमस है, बहुत ग्रैंड होता है, लेकिन फिर भी जो उसके आसपास के एरिया है ना, कलकत्ता के आसपास का, तो जैसे बोकारो में भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मनाली में था, वहाँ दशहरा की ऐसी धूम नहीं है। नवरात्र पूजा करते हैं मंदिरों में, बस ऐसे कोई पंडाल नहीं लगता है, मूर्ति पूजा उतना नहीं होता है, मेला नहीं लगता है। सबसे बड़ा होता है मेला घूमना, जो बचपन से मैंने यहाँ पर घूमा हुआ है। तो मैं अभी सुबह सुबह आ गया था इधर, थोड़े बहुत सब्जी भाजी खरीदने के लिए, सुबह सुबह का ये टाइम हो रहा है, और कभी कुछ दिन मैं इधर ही रहने वाला हूँ बोकारो में, दशहरा से लेकर सेलिब्रेट करने वाला हूँ। तो मैं सामने है ये शिव मंदिर, यहाँ पर दुर्गा माता मंदिर, दोनों मंदिर है। तो अभी नवरात्र चालू होगा तो शाम के टाइम में लाइटें उटे जलती है, लोग पूजा करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। और इस तरफ है, सामने की तरफ है सब्जी मंडी, तो चलते हैं सब्जी मंडी, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, मतलब सब्जियां खरीदनी है घर के लिए, थोड़े बहुत फूल वूल खरीदने हैं और पूजा के लिए। सुबह सुबह पहले चाय की टपरी लगी रहती है, घर में भी चाय पीते हैं, लेकिन बाहर लोग बाजार आते हैं तो बाजार भी चाय पीते हैं। सामने वो टपरी लगी हुई है, ठेला बोलते हैं इधर आंगड़ी पे, तो पहले चाय पिया जाए, मेरा मित्र पिएगा चाय। वैसे मैंने चाय पहले पीता था, अब मैंने पीना वो चाय छोड़ दिया है। तो चाय की टपरी है, सामने बैठा है मित्र, चाय पीने के बाद चलेंगे थोड़े बहुत शॉपिंग करने के लिए। बाजार लगने लगा है, सजने लगा है। ये बाजार लग गया इधर से, पूजा का है, नवरात्र है पहला पूजा, बाजार भी है इधर भी लग गया है पूजा का सामान खरीदने के लिए। बाकी सब्जी तो बिकी रहा है इधर, सामने है दुकान पूजा का, उसमें कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगा हुआ है, सुबह सुबह का टाइम है ना, भीड़ ठीक ठाक हो रखा है इधर सब्जी के बाजार में। और बड़े बड़े जो मॉल हैं ये सब, ये फिलहाल अभी बंद हो रखा है। अब आगे चलते देखते हैं क्या क्या सब्जी आया हुआ। ये है फ्रेश अमरूद, यहाँ पर इधर थोड़ी बहुत आई है, लौकी है, करेला है, कुछ कुछ सब्जी इधर, पपीता है, इधर देखते हैं कौन सा लेने लायक सब्जी है, वही वाला सब्जी लेंगे। फिर इस तरह का कुछ कुछ वेजिटेबल आए हुए, ग्वार है, शकरकंद है, उधर उस तरफ चलते हैं आगे की तरफ सब्जी लेने के लिए, उधर देखते हैं और क्या क्या सब्जी उधर मिल सकता है। इधर ये है मिर्च, मिर्च ले लेते हैं, सोचो मिर्च कैसे, मिर्च मिर्चा कैसे, एक पाव दिए मिर्च। करेला क्या भाव, 40 रुपया, 50 का 100 ग्राम, 50 का 100 ग्राम, मैंने पता कैसे दिया, 20 रुपया, 40 रुपया, बहुत महंगा है।
60 रुपये 40 रुपये लिए है। भीड़ काफी हो रखा है अभी सुबह सुबह यहाँ पर सामान लाइन से सब्जी है। इधर सारे लोकल प्रोड्यूस गांव वाले हैं, इधर लगाए हैं लाइन से। भिंडी है, फिर ये साग है, कुछ कुछ खीरा है, लौकी है, बंद गोभी है। देखते हैं और कौन सा सब्जी लेना है। फलों की भी लग गई है उधर ठेले बेचने के लिए। उधर नेनुआ बेच रहे हैं, उस तरफ मार्केट लग गया। और आगे पूरा पूजा का स्टॉल है, लाइन से पूजा का सामान बिक रहा है एकदम। इधर भी ये छोटा सा स्टॉल, उधर तो आगे ही आगे मंदिर है ना, मंदिर के पास आगे जाएंगे तो और लगा हुआ स्टॉल लाइन से, फ्रूट और खासकर पूजा के स्टॉल। उधर है वो सब्जी का, उधर भी सब्जी बेच रहे, देख रहे हैं क्या मिलेगा उधर सब्जी। नेनुआ दिख रहा है, भिंडी दिख रहा है, और क्या भाई। उधर है भिंडी, यह है नेनुआ, उधर है खीरा, उधर है झिंगली, यही सब्जी यहाँ पर दिख रहा है। उधर भी वही हाल है, झिंगली कद्दू और पूजा के सामान इधर बेचे जा रहा। भीड़ काफ़ी है, सुबह सुबह पहली पूजा है ना, तो सब लोग खासकर पूजा के सामान आए हैं फल फ्रूट खरीदने के लिए, इसके कारण ज़्यादा भीड़ हो रखा है यहाँ पर। अदरवाइज आम दिनों के कंपेयर करें थोड़ा ज़्यादा भीड़ है, नहीं तो थोड़ा कम भीड़ रहता था उधर। और ये भिंडी ले रहे हैं मित्र, भिंडी मतलब पूजा की दुकान, सब कुछ मिलता है इसमें। इस तरह बड़ा दुकान नहीं है, छोटा छोटा दुकान इस तरह का। पूजा के टाइम तो 10-20 दुकान एक्स्ट्रा लग जाते हैं। और फूल बेचने वाले भी अभी के टाइम में 50-60 लोग तो बैठ ही गए हैं फूल पत्ती ये सब बेचने के लिए। बगल में मंदिर भी है, तो मंदिर के बगल में ज़्यादा ये सब बैठते हैं बेचने के लिए, ज़्यादा भीड़ रहती है आम तौर पर। इधर ये लाइन से फूल पत्ती बेच रहे हैं, पीछे हनी नाश्ता स्टॉल, पूड़ी जलेबी और नाश्ता, इधर नाश्ता करने के लिए ताज़ा ताज़ा। और इधर ये सेब बेचा जा रहा है, सेब कैसे, सेब 80 रुपया किलो सेब है। मम्मी साफ सफाई करवा रही है अभी, दशहरा आ रहा, फिर बाद में बैठ के बैठ दिवाली। ये है कड़ी पत्ता का पेड़, ये वाला कड़ी पत्ता। और इसके जो बीज हुए ना, बीज गिरे तो भाई कितने छोटे छोटे कड़ी पत्ता के हो रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से लाइन से, उस तरफ भी है। मेरे ख्याल से 60-70 जो बीज गिरे ना कड़ी पत्ता, वो बन गया उस तरह से। और ये एलोवेरा, यहाँ पे ये एलोवेरा, और इधर ये बहुत सारे एलोवेरा हैं इस तरह से, ये लगे हुए देसी। और ये है तुलसी का पत्ता, यहाँ पे लगा हुआ। और ये भिंडी लगा हुआ था, ख़त्म हो गया, मतलब अब फल नहीं आएगा। एक आध भिंडी यहाँ पे है लगा हुआ इस तरह से, बाकी भिंडी लगभग बंद हो गया, भिंडी देना अभी से काटना पड़ेगा, कुछ दिन के बाद कटाई होगी। और ये है सहजन जिससे बोलते हैं, मोरिंगा, बहुत लोग मोरिंगा के नाम से जानते हैं, सुपर फूड आजकल फेमस हो रखा है। ये तो बचपन से लगा है मेरे घर में, तो बचपन से खाते आ रहे हैं। दवाई खरीदने के लिए और मेडिसिन खरीदी, पाँव में थोड़ा सूजन आ गया, उसके लिए कैंकल रैप चाहिए, ले लेता हूँ। डिस्काउंट पर मिलता है यहाँ पर 15% का लगभग यहाँ पर, तो हमारे तरफ क्या है ना, दवाइयों में अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं 15%। मतलब 1000 रुपये की दवाई खरीदेंगे तो 150 रुपये आपके बच जाएंगे। बाकी मनाली में खरीदता था तो वहाँ डिस्काउंट नहीं मिलता था, हमारे शहर में यहाँ पे मिलता है, दूसरी जगह नहीं मिलता। ये है मोदी डिस्ट्रीब्यूटर, चलते हैं। ये रसीद भी देते हैं जीएसटी नंबर के साथ, तो टोटल बिल हो रहा है 169 और डिस्काउंट 26 रुपीज, और मुझे पे करना पड़ा 143 रुपीज सिर्फ। तो ऐसा नहीं है डिस्काउंट मिलता है दवाइयों में, डिस्काउंट मिलता है ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं डिस्काउंट नहीं मिलता है। 15 से
17% उसके से 20% भी जीएसटी बिल के साथ भाई यहाँ देते हैं डिस्काउंट। मनाली में तो डिस्काउंट मिलता नहीं था, मिलता है, मांगना पड़ेगा। आजकल देने लगे हैं लोग, ऑनलाइन में भी मिलने लगा है, ऑफलाइन में भी डिस्काउंट अच्छी खासी मिलती है ब्रांडेड दवाई में। पाँव में हल्का मोच आ गया था तो गया था मेडिकल स्टोर रैप लाने के लिए, एंकल रैप। तो ये फिर मैंने इसको इस तरह से पैर पे ये रैप लगा लिया है, एक दिन लगा के रखूँगा तो ये फिर ठीक हो जाएगा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। चलने में हल्का दिक्कत हो रहा था, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था। और बेटा क्या कर रही हो, ड्राइंग कर रही है अनवी, खा रही है? अनवी का कितना सारा कलर आ गया बेटा, इसमें कितना कलर है? 36 कलर है। अच्छा 36 कलर है इसमें से, और वो ऑरेंज खा रही है, और उसके बाद वो उधर ड्राइंग बनाएगी। यह आ गया राम मंदिर, समोसा खाता है एक एक भाई, यहाँ पे समोसा मिलता है ठीक से, बैठते हैं यहाँ पर। ठंडा गया है? ठीक है, गर्म ज़्यादा ठंडा है। बाजार में आया हूँ, देखता हूँ कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ, शाम का टाइम हो रखा है, भीड़ काफ़ी हो रखा है यहाँ पर। शाम के टाइम में ना नवरात्रा को लेके अच्छी खासी भीड़ हो रखी है। दशहरा आ रहा है तो सब लाइट लगा के रख रहे हैं, अब इधर सामने की तरफ भीड़ है अच्छा खासा, ये ठीक ठाक हो रखा है। आज खाने में बना है आलू का पराठा, और ये है बैगन का भरता, टमाटर डाल के बना हुआ है, मिर्च है। नवरात्र चालू हो गया तो इसमें प्याज नहीं डाला मम्मी ने। तो आलू का पराठा खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में।